को सरकार बना रहे हैं अच्छे बहुमत से। और आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। देहरादून में 11 जगहों पर छापेमारी की गई, ऋषिकेश में 6 और सहारनपुर में 13, दिल्ली में 8 जगहों पर छापेमारी हुई है। छापों की जानकारी देने से अधिकारियों ने इनकार किया। रेड के बाद प्रॉपर्टी डीलर और भू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। गुरुवार सुबह देहरादून के नैशविला रोड पर एक के बाद एक आयकर विभाग की कई गाड़ियां पहुंची। कई निवेशकों और उद्योगपतियों के घर पर छापा पड़ा है। इनमें से अभी एमजी रेजिडेंसी के मालिक के घर पर छापा पड़ने की खबर सामने आई। तो आयकर विभाग की तरफ से छापेमारी लगातार जारी है। आयकर विभाग की इस छापेमारी की वजह से जो भूमाफिया हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, उनके दरमियान हड़कंप मच गया है। ऋषिकेश में जहां 6 तो सहारनपुर में 13 जगहों पर छापेमारी हुई है। दिल्ली में 8 जगहों पर आईटी की ये रेड पड़ी है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देहरादून से आप देखिए, जहां पर आईटी की जब छापेमारी हुई तो उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर ऋषिकेश की देखिए, आईटी की छापेमारी हुई, वहां पर आयकर विभाग की कई गाड़ियां मौजूद थी। तो जो तमाम भूमाफिया है और प्रॉपर्टी डीलर्स है, उनके दरमियान अब हड़कंप मच गया है, क्योंकि आयकर विभाग की छापेमारी ताबड़तोड़ तरीके से चल रही है। हरिद्वार से बड़ी खबर है, माफिया यशपाल तोमर पर बड़ा एक्शन हुआ। आयकर विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। हरिद्वार रुड़की हाईवे के पास 56 बीघा जमीन कुर्क की गई है। कानपुर से आई आईटी टीम ने इस जमीन को बेनामी घोषित किया। जमीन पर नोटिस चिपकाया, मुनादी कराई गई। रोशनाबाद जेल में बंद है माफिया यशपाल तोमर, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से आपको बता रहे हैं, माफिया है यशपाल तोमर, जिस पर बड़ा एक्शन लिया गया। आयकर विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की। हरिद्वार रोड के हाईवे के पास उसकी 56 बीघा जमीन की कुर्की की गई है। कानपुर से आई थी आईटी की टीम, जमीन को बेनामी घोषित किया गया, जमीन पर नोटिस चिपकाया गया, जमीन की मुनादी कराई गई। रोशनाबाद जेल में अभी बंद है माफिया यशपाल तोमर। और उत्तर प्रदेश सरकार ने भूमाफियाओं पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अभी हम मौजूद है यशपाल तोमर की विवादित जमीन पर, और अभी आप देख सकते हैं कि कल ही जो कानपुर से आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई की टीम यहां पर हरिद्वार पहुंची थी, और जो ये 56 बीघा की जमीन है उस पर कुर्क की कार्रवाई आयकर विभाग की टीम ने यहाँ पर की है, और इससे पहले मुनादी भी यहाँ पर कराई गई और पुलिस प्रशासन भी उनके साथ था हरिद्वार का। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी किस तरह से ये, कितनी बड़ी ये जमीन थी, किस मकसद से ये यशपाल तोमर इस पूरी जमीन को चाहता था। आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये पूरा एरिया जो है वो फ्लैट्स के माध्यम से बनना था, और यही यशपाल तोमर का जो पूरा कह सकते हैं कि एक पूरी जो प्लानिंग थी वो ये फ्लैट्स वगैरह बनाने यहाँ पर थी। और अभी जिस तरह से आयकर विभाग ने कल यहाँ पर कार्रवाई की है, उससे साफ ये नजर आता है कि जो भूमाफिया है वो उत्तराखंड सरकार में अब नहीं चलेंगे। फिलहाल जो यशपाल तोमर है, 7 महीने पहले उन्हें नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया था, और अभी वो हरिद्वार जेल में बंद है। तुषार गुप्ता, न्यूज स्टेट, हरिद्वार। चलिए, तो इसी के साथ पहाड़ समाचार में मेरे साथ अभी इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है, तो